चलो जान दो। जैसे हम लोग ऊपर वाले हाइड्रोजन वाले पार्ट को हटा नहीं सकते, क्योंकि ऊपर वाले हाइड्रोजन को अगर हटाएंगे तो यहाँ माइनस चार्ज बनेगा, और माइनस चार्ज वाला पार्ट जब रेजोनेंस में जाएगा तो रेजोनेंस में जाने के वजह से इस नीचे वाले कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा, जो कि ऑक्सीजन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता। प्रॉब्लम इस चीज़ का है, तो इसीलिए हम लोग उन्हीं, और ये चीज़ लास्ट क्लास में बोला भी था, उन्हीं कार्बन के हाइड्रोजन को हटाएंगे जहाँ का नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस में जा पाएगा। तो यहाँ वाले पार्ट के लिए तो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इस चीज़ को छोड़ सकते हैं। अगर इस चीज को छोड़ा तो इस केस में हम लोगों का जो ये ऊपर वाला हाइड्रोजन निकल के आया है, मतलब ये ऊपर वाला हाइड्रोजन को हटाने के बाद निगेटिव चार्ज जो निकल के आया है, ये जब रेजोनेंस में जाएगा तो यहाँ माइनस चार्ज, मतलब वहां से जो भी हाइड्रोजन होगा उसको हटाया जा सकता है, ड्यूटेरियम के जगह पर रिप्लेस, मतलब ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर सकते हैं। निगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जाएगा तो यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, तो यहाँ पे हम लोग सारे के सारे हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर सकते हैं। फिर नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट रेजोनेंस में जाएगा तो फिर यहाँ से इसको हटा के नेगेटिव चार्ज पे सारे के सारे ड्यूटेरियम वाले पार्ट को प्लेस कर सकते हैं। फिर नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जाएगा तो यहाँ वाले पार्ट में माइनस चार्ज आराम से आ सकता है। तो जहाँ जहाँ नेगेटिव चार्जेस बनेंगे उन सारे के सारे हाइड्रोजन वाले पार्ट को हम लोग आराम से रिप्लेस कर सकते हैं। तो पहले यहाँ के दो हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, दूसरे वाले पार्ट पे कोई भी कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन नहीं है तो बात ही नहीं कर सकते। फिर उसके आगे वाले पार्ट में एक हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर पाएंगे। फिर उसके बाद वाले कार्बन में जहाँ नेगेटिव चार्ज आया, एक हाइड्रोजन है तो उसको रिप्लेस कर पाएंगे। फिर उसके बाद वाले पार्ट में एक हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस कर पाएंगे। तो इस केस में दो, तीन, चार, पाँच, और उसके अलावा यहाँ वाले पार्ट पे तो तीन हाइड्रोजन था ही, इसका मतलब आठ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हम लोग आराम से कंसिडर करके काम कर सकते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। ये सवाल अच्छा, मतलब आसान नहीं है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट सवाल है, लेकिन इस तरह के सवाल सॉल्व करने आने चाहिए। तो इस तरह का सवाल अगर देखेंगे तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन सब वैसे भी समझ में आएंगे, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इन सब सवाल के बाद। अगर कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हैं। वहां पे जो बीच में डबल बॉन्ड नहीं था वो कैसा है? बीच में जो डबल बॉन्ड नहीं था वो यहाँ वाले स्ट्रक्चर से आया। जैसे यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, मतलब बना तो सकते हैं आराम से नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ वाले पार्ट में अगर यहाँ के हाइड्रोजन को हटाते हैं और यहाँ नेगेटिव चार्ज बनाते हैं, लास्ट क्लास में इस तरह के दो तीन क्वेश्चंस कराए थे, तो नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट आराम से ऑक्सीजन वाले पार्ट के साथ रेजोनेंस में जा सकता है। तो अगर यहाँ का हाइड्रोजन हटाते हैं तो नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट अगर ऑक्सीजन के ऊपर जा रहा है, मतलब ठीक है, वहाँ का हाइड्रोजन हटा करके नेगेटिव चार्ज बनाया जा सकता है। लेकिन जैसे ही यहाँ का नेगेटिव चार्ज बनाए तो नेगेटिव चार्ज लेफ्ट के जगह पर राइट साइड में भी तो जा सकता था। अगर राइट साइड में जाता तो आराम से यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज है इसको थोड़ा क्लियर स्ट्रक्चर में बना देते हैं। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनता और ये नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट राइट साइड में जाता तो यहाँ माइनस चार्ज आता, ये माइनस चार्ज और रेजोनेंस में जाता तो आगे माइनस चार्ज आता, और बेसिकली अपना जो पाई बॉन्ड है वो कुछ ऐसा बनता, जिस कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज है वहां पे पाई बॉन्ड बनता, फिर उसके बाद जहाँ पे डबल बॉन्ड था वहाँ सिंगल बॉन्ड बनता, ये पाई बॉन्ड बेसिकली आगे शिफ्ट हो जाता। यहाँ पे जो सिक्स मेंबर रिंग है उसमें पाई बॉन्ड नीचे की तरफ शिफ्ट होता और यहाँ माइनस चार्ज आराम से बन सकता था स्ट्रक्चर। वही पार्ट इसमें एक्स्ट्रा था जो ध्यान रखने लायक था। और कोई डाउट? जल्दी बोलो, और कोई डाउट? चलो अगर डाउट नहीं है तो हम लोग फिर आराम से नया लेक्चर शुरू कर सकते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म वाले पार्ट में, और वो है अपना टॉटोमेरिज्म वाला टॉपिक, क्योंकि ड्यूटेरियम एक्सचेंज डिस्कस कर लिया तो फिर टॉटोमेरिज्म वाला पार्ट हम लोग आराम से डिस्कस कर सकते हैं। तो लेक्चर 5 मैकेनिज्म में हम लोग टॉटोमेरिज्म का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। चलो जान दो। जैसे जो हम लोग ड्यूटेरियम एक्सचेंज डिस्कस कर रहे थे, एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का मैकेनिज्म है, बस यहाँ डिफरेंस यही है कि हम लोग हाइड्रोजन को हटा रहे हैं और हाइड्रोजन को ही ऐड कर रहे होते हैं, ज्यादा कुछ करना नहीं होता। जैसे बेसिक तरीके से अगर इसको बोले तो मान लो हम लोग के पास एक कीटोन वाला पार्ट है, मान लो प्रोपेनॉन वाला पार्ट है, अगर इसी प्रोपेनॉन वाले पार्ट में हम लोग एक छोटा सा काम करें, मतलब छोटा सा काम करना है, इस पाई बॉन्ड को उठा के इधर ले आओ और यहाँ के एक हाइड्रोजन को उठा करके ऑक्सीजन वाले पार्ट पे लेके चले जाओ,
तो ये दूसरा स्ट्रक्चर निकल के आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तीन हाइड्रोजन थे जबकि लास्ट वाले स्ट्रक्चर में हम लोग के पास दो ही हाइड्रोजन काम करते हैं। इसको ज्यादा इलेबोरेटली हम मेंशन कर देते हैं इस टाइप से, सी एस थ्री के साथ सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री। इसमें हम लोग स्ट्रक्चर वाले पार्ट में यहाँ जो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है इसको इस कार्बन पे लेके आ जाओ और यहाँ से एक हाइड्रोजन को उठा करके हम लोग ऑक्सीजन पे लेके चले जाते हैं, तो जो पाई बॉन्ड है वो खत्म होगा और स्ट्रक्चर में सी एस थ्री के साथ सी डबल बॉन्ड सी बनेगा और यहाँ पे तीन में से एक हाइड्रोजन हट गया मतलब सी एस टू बचा, और ऊपर जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था वहाँ के जगह सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन वाला पार्ट। तो ये जो पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग है अलॉन्ग विथ माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसी पूरे माइग्रेशन ऑफ एटम को हम लोग टॉटोमरिज्म भी बोलते हैं। मतलब ये बोलने का एक नॉर्मल तरीका होता है टॉटोमरेशन वाले पार्ट में, मतलब टॉटोमरेशन का अगर हम लोग डिफिनेशन बोले तो उस केस में अगर हम लोग एक कंपाउंड के अंदर किसी एक पार्टिकुलर एटम को जो कि इन जनरल हाइड्रोजन ही होता है किसी एक पार्टिकुलर एटम वाले पार्ट को एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर देते हैं अलॉन्ग विथ रेजोनेंस, तो रेजोनेंस का स्ट्रक्चर आता है बीच में कैसे आता है उस चीज का मेंशन करेंगे हम लोग पार्ट। तो जब हम लोग इस तरीके से किसी एक एटम का माइग्रेशन एक एटम के जगह पे दूसरे एटम पे कर देते हैं और एक पार्टिकुलर टाइप के बॉन्ड को शिफ्ट कर देते हैं इधर उधर, तो इस पूरी चीज को हम लोग टॉटोमराइजेशन बोल सकते हैं। जिसमें जैसे पहला जो पार्ट है ये कीटोन है, तो इसको हम लोग कीटोन बोल सकते थे, बेसिकली कीटो बोल देते हैं इसको। और दूसरा वाला जो स्ट्रक्चर अपना इसमें डबल बॉन्ड के ऊपर ओएच दे रखा, मतलब अल्कीन के ऊपर एल्कोहल दे रखा, तो अल्कीन वाले पार्ट का इन और एल्कोहल वाले पार्ट का ऑल, इस चीज में हम लोग आराम से टर्म इनॉल बोल सकते हैं। इस पूरे पार्ट को हम लोग ओवरऑल कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म आराम से बोल सकते हैं। मतलब ये बोलने का एक बेसिक तरीका हो सकता है जिसको हम लोग को यूज करते हुए काम करना होता है, कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म। और इसमें ध्यान ये चीज रखना होता है जैसे हम लोग जब कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म की बात कर रहे होंगे तो उस केस में जैसे ऐसा नहीं है कि केवल कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म ही काम का होता है, और भी ये टॉटोमरिज्म वाले पार्ट क्या काम होते हैं, बट नॉर्मली यही एक टॉपिक है जो हम लोग को डिस्कस करना होता है। तो हम लोग उसमें वेरियस टर्म्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे होते हैं बेसिकली, जैसे कीटो वाला फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है कि इनॉल वाला फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, कब कीटो वाला फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा, कब इनॉल वाला फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा। दूसरा, अगर ये दोनों पार्ट में टॉटोमरिज्म हो रहा है तो दोनों के दोनों स्ट्रक्चर आपस में इंटरकन्वर्टिबल होते हैं, इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने रिवर्सिबल का साइन बना रखा है। रिवर्सिबल का साइन होने का मतलब बेसिकली एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, हम लोग ऐसा मेंशन करते हुए काम कर रहे होते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं इन सब चीजों का हम लोग को यहाँ पे डिस्कशन करना होता है कि ये जो इक्विलिब्रियम है इसमें के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन वन होगा, के इक्विलिब्रियम लेस देन वन होगा, या फिर कीटोन वाला पार्ट ज्यादा एग्जिस्ट करेगा, इनॉल वाला पार्ट ज्यादा एग्जिस्ट करेगा, ये सब बेसिक एक डिस्कशन होगा। कब टॉटोमरिज्म होगा कब नहीं होगा, इन सब चीजों का हम लोग को थोड़ा डिस्कशन करना होता है, इसी चीज को हम लोग कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म बोलते हैं। है ऑलमोस्ट रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट, बट इसमें जैसे है ये आइसोमरिज्म का भी पार्ट इसको बोला जा सकता है, मतलब ये दोनों स्ट्रक्चर जो है इन दोनों को आइसोमर्स बोला जाता है, दोनों में मॉलिकुलर फॉर्मूला सिमिलर टाइप का बस स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंस में है, इसी चीज को हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म भी बोलते हैं, बट इसको फंक्शनल ग्रुप आइसोमर नहीं बोलेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है, यहाँ पे कीटोन वाला पार्ट है और यहाँ पे इनॉल वाला पार्ट है, तो फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट चेंज हो रहा है, लेकिन क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आपस में इंटर कन्वर्टेबल है तो इससे पहले जहां भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बोला था हम लोगों ने वहां पे ग्रुप्स इंटर कन्वर्टेबल नहीं होते। हम लोग एक को दूसरे में चेंज कर सकते हैं लेकिन अपने आप से दोनों एक दूसरे में चेंज नहीं हो रहे होते हैं, मतलब इंटर कन्वर्टेबल नहीं हो रहा होता है, कुछ रिएक्शंस कराना होता है। तो जब फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है बट दोनों इंटर कन्वर्टेबल नेचर का है क्योंकि रेजोनेंस भी हो सकता है और माइग्रेशन ऑफ एटम हो सकता है, तो वहां पे टर्म आराम से टॉटोमरिज्म यूज करना शुरू कर देते हैं। तो ये हेडिंग डाल दो रिएक्शन मैकेनिज्म में टॉटोमरिज्म, और टॉटोमरिज्म वाले पार्ट में एक छोटा सा एग्जांपल इसको नोट करो, फिर उसके बाद हम लोग कुछ पार्टिकुलर पॉइंट्स की बात करेंगे आराम से। इसमें सबसे पहला पॉइंट नोट भी करते जाना, और ये वाले से और ये वाले
पहला पॉइंट नोट करना, माइग्रेशन ऑफ एन एटम जो कि नॉर्मली हाइड्रोजन होगा टेक्स प्लेस अलोंग विद रेजोनेंस. उसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना, मतलब इसको हम लोग और भी किसी किसी नाम से जान सकते हैं, तो ऐसा मेंशन कर लो, आल्सो कॉल्ड एज प्रोटोट्रॉपी और कटायनोट्रॉपी. प्रोटोट्रॉपी इसलिए बोलते हैं क्योंकि बेसिकली H प्लस का हम लोग माइग्रेशन करा रहे होते हैं, तो H प्लस का माइग्रेशन हो रहा है इसलिए हम लोग टर्म प्रोटोट्रॉपी बोल सकते हैं. बेसिकली कटायन का माइग्रेशन हो रहा होता है, तो प्रोटोट्रॉपी बोलो क्योंकि H प्लस है, और कटायनोट्रॉपी बोलो चलेगा दोनों का दोनों पार्ट. तीसरा पॉइंट थोड़ा ध्यान रखने लायक है, वैसे ये टर्म एनसीईआरटी में दे तो नहीं रखा कहीं भी, थोड़ा ध्यान रखना. ऑल्सो कॉल्ड एज डेस्मोट्रॉपी बिकॉज डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन द आइसोमर्स. ऑल्सो कॉल्ड एज डेस्मोट्रॉपी बिकॉज डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ऊपर जो मेंशन किया था इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है बिटवीन द आइसोमर्स या बिटवीन द टॉटोमरिक फॉर्म, बिटवीन द टॉटोमरिक फॉर्म नेक्स्ट पॉइंट जो ध्यान रखने वाला है, इसमें हम लोग दो वर्ड यूज करते हैं एक्चुअल में, डायड सिस्टम या फिर ट्रायड सिस्टम. ये दो तरह का हम लोग टर्म यूज किया करते हैं बेसिकली. जैसे ऊपर जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था उसमें ऐसा लिखा था कार्बन के साथ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ CH3, और यहाँ का हाइड्रोजन वाला पार्ट उठ करके ऑक्सीजन पे गया. तो बेसिकली हम लोगों का जो हाइड्रोजन है वो जिस एटम पे है उस एटम के रिस्पेक्ट में थर्ड एटम पे मूव किया, मतलब जब हम लोग टॉटोमराइजेशन कराए तो टॉटोमराइजेशन के टाइम पे हम लोगों का इस ऑक्सीजन के ऊपर H का एडिशन हुआ. तो जो हम लोगों का हाइड्रोजन का माइग्रेशन हुआ है कि फर्स्ट एटम से अटैच होने के बाद थर्ड एटम पे जा रहा, मतलब शुरुआत में पहले पे था तो उसका थर्ड नंबर वाले पार्ट पे चला गया. तो जब 1 से 3 वाले पोजीशन पे जाएंगे तो इस चीज को हम लोग ट्रायड सिस्टम बोलते हैं. नॉर्मली ऐसा रिप्रेजेंट कर दिया करते हैं हम लोग इस चीज को कि एक्स डबल बॉन्ड वाई और यहाँ से जेड है, इस पे जो हाइड्रोजन होगा ये हाइड्रोजन वाला पार्ट जब टॉटोमरिज्म में जाएगा तो आराम से एक्स वाई डबल बॉन्ड जेड और इस पे हाइड्रोजन इस फॉर्म में आराम से कन्वर्ट हो सकता है. तो इस चीज को हम लोग ट्रायड सिस्टम आराम से बोल सकते हैं. तो जब 1-3 शिफ्टिंग होगा तब उसके इसमें हम लोग ट्रायड सिस्टम बोलेंगे, और जब 1-2 शिफ्टिंग होगा, जैसे कि ये एग्जांपल होता है बहुत ही स्टैंडर्ड SCN, इस चीज को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं टॉटोमरिज्म के बेसिस पे. तो कार्बन से हाइड्रोजन उठ के जस्ट बगल वाले एटम पे चला गया तो 1-2 शिफ्टिंग हुआ, तो अगर 1-2 माइग्रेशन हुआ तो उस केस में हम लोग आराम से यहाँ पे टर्म ट्रायड सिस्टम वर्ड यूज करते हुए काम कर सकते हैं, सॉरी डायड सिस्टम यूज करते हुए काम कर सकते हैं. तो जब माइग्रेशन 1-2 एटम में होगा तब उस केस में हम लोग डायड सिस्टम वर्ड यूज करेंगे, और अगर माइग्रेशन 1-3 सिस्टम में होगा तब उस केस में हम लोग आराम से वहाँ पे ट्रायड सिस्टम वर्ड यूज करते हुए काम कर सकते हैं. नोट कर लो.
सर सर डायट सिस्टम और ट्रैक सिस्टम फिर बता दीजिए ना। कहे भाई फिर से कहे बता दे। सर स्क्रीन काला काला दिख रहा था। स्क्रीन को खाना खिलाओ और क्या, भूखा है स्क्रीन तेरा। डायट सिस्टम में जैसे डाई वर्ड दे रखा तो दो, ट्रायड वाले पार्ट में ट्राई तीन दे रखा, तो जब हाइड्रोजन का शिफ्टिंग 1-2 के बीच में होगा, 1-2 का मतलब जस्ट बगल वाले एटम के बीच में होगा, अगर एक पार्ट सिस्टम में 1 नंबर है तो दूसरा जस्ट बगल वाला पार्ट 2 नंबर होगा, तो जब 1-2 में माइग्रेशन होगा तब उस केस में हम लोग डायट सिस्टम वर्ड यूज कर सकते हैं, जब 1-3 में माइग्रेशन होगा तब उस केस में हम लोग ट्रायड सिस्टम वर्ड यूज कर सकते हैं, जैसा अभी कीटो एनोल टॉटोमेरिज्म में किया था, कार्बन वाला जो पार्ट है उसमें हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन उससे थर्ड एटम पे ऑक्सीजन वाले पार्ट पे शिफ्ट हो गया, तो इस चीज को हम लोग आराम से ट्रायड सिस्टम बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने ड्यूटेरियम एक्सचेंज मेंशन किया था, तो ड्यूटेरियम एक्सचेंज में मेंशन किया था कि बेसिक मीडियम होता है ओडी माइनस के साथ D2O, लेकिन एसिडिक मीडियम भी हो सकता है, जैसे हम लोग अगर चाहे तो आराम से D3O प्लस भी यूज कर सकते हैं, तो एसिडिक मीडियम में क्या हो सकता है उस चीज को हम लोग यहाँ पे बेसिकली मेंशन करेंगे, और जब ड्यूटेरियम एक्सचेंज होता है तो ड्यूटेरियम एक्सचेंज के जैसा ही ऑलमोस्ट मैकेनिज्म यहाँ पे आता है टॉटोमेरिज्म वाले पार्ट में, क्या होता है उस चीज को मेंशन करेंगे, बट अभी के लिए पॉइंट नोट कर लो केवल, कैन टेक प्लेस इन एसिडिक एज वेल एज बेसिक मीडियम। एसिडिक और बेसिक मीडियम हर एक केस में हम लोग आराम से टॉटोमराइजेशन करा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं, थोड़ा सुकून से वेट करो, आगे समझ में आना शुरू हो जाएगा। मौसम खराब हो गया है, बारिश शुरू हो गया है, तो नेटवर्क बहुत सारे लोग का गायब हो जाएगा, मेरा तो नहीं होना चाहिए बट बाकी लोग का गायब हो जाएगा। इसमें एक चीज कंसिडर कर लेना, जैसे इन जनरल अगर मीडियम प्रोवाइड नहीं कर रखा तो जनरली हम लोग बेसिक मीडियम कंसिडर करके काम करते हैं, जैसे लिखा है कैन टेक प्लेस इन एसिडिक मीडियम एज वेल एज बेसिक मीडियम, तो उसमें मेंशन कर लेना एक चीज, इफ नथिंग इज प्रोवाइडेड देन कंसिडर बेसिक मीडियम, इफ नो मीडियम इज प्रोवाइडेड एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम देन कंसिडर बेसिक मीडियम। चलो ध्यान दो, इन सब डिस्कशन के बाद बेसिकली हम लोगों को इसके मैकेनिज्म का डिस्कशन करना होता है और ढंग से इस चीज को समझना, जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ऑलमोस्ट सेम टाइप का चीज है बट थोड़े डिफरेंस के साथ। जैसे सबसे पहला पार्ट, जब हम लोग कीटोन वाले पार्ट को इनॉल में कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्जन में क्या क्या स्टेप होता है, उसमें सबसे पहला पार्ट बेसिक मीडियम का मतलब है कि बेसिकली हम लोग के पास मीडियम में OH- होना चाहिए, अगर हम लोग OH- लेकर के चले तो OH- हमेशा अल्फा कार्बन के ऊपर रिएक्शन करेगा, तो जैसे अल्फा कार्बन का बेसिक मतलब तो लास्ट क्लास में पता चल ही गया था कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, मतलब बेसिकली जो कार्बोनिल कार्बन होता है, कार्बोनिल कार्बन जिस कार्बन से अटैच्ड है उसको हम लोग अगर sp3 कार्बन में रखें तो अल्फा कार्बन बोल सकते हैं, तो सबसे पहले स्टेप में यहाँ का जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन वाले पार्ट के साथ, मतलब अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन के साथ या अल्फा हाइड्रोजन के साथ आराम से OH- वाला पार्ट रिएक्शन करता है, वैसे आराम से तो रिएक्शन नहीं करता क्योंकि लास्ट क्लास में बोला था कि एसिडिकेशन बहुत हाई नहीं होता है, तो इसीलिए काफ़ी टाइम तक रिएक्शन को छोड़ देना पड़ता है, तो इस केस में अल्फा कार्बन वाले पार्ट के साथ OH- रिएक्शन करेगा जिसके वजह से हाइड्रोजन को यहाँ से हम लोग आराम से हटा सकते हैं, जब हाइड्रोजन को हटाते हैं तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में CH3 के साथ सी डबल बॉन्ड O का फॉर्मेशन होगा, और उसके अलावा जिस कार्बन से हाइड्रोजन हटा वहाँ पे माइनस चार्ज का फॉर्मेशन होगा, तो देख के मालूम पड़ रहा है यहाँ वाले पार्ट में कि हम लोगों का जो माइनस चार्ज वाला पार्ट है वो आराम से रेजोनेंस में जा सकता है, ऑब्वियसली बात है रेजोनेंस करना बहुत ही सिंपल सा केस होगा, अगर रेजोनेंस में जा सकता है तो CH3 के साथ कार्बन डबल बॉन्ड CH2
और इसके अलावा यहाँ पे O- का फॉर्मेशन आएगा, और यहाँ देख के ऑलमोस्ट समझ में आ रहा है कि अपना आधा काम हो चुका है। तो यहाँ वाले पार्ट में जो हम लोग मीडियम में H2O होगा, उस H2O वाले पार्ट के हम लोग H वाले पार्ट के साथ आराम से इसका कॉम्बिनेशन करा सकते हैं। तो जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज H+ के साथ कंबाइन करके इसको यहाँ से हटाएगा, और तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में CH3 के साथ कार्बन, कार्बन के ऊपर OH डबल बॉन्ड CH2 का फॉर्मेशन आराम से कंसिडर किया जा सकता है। और जब H2O से H+ हटेगा तो यहाँ पे OH- भी मिल जाएगा हम लोग को। मतलब बेसिकली जो हम लोगों का OH- कंज्यूम हुआ था या रिएक्शन में ख़त्म हुआ था H+ के साथ कॉम्बिनेशन में, वो वापस से मिल गया हम लोगों को। तो इस केस में हम लोगों का कीटो इनॉल टॉटमेरिज्म आराम से हो गया, मतलब एक कीटोन वाले पार्ट को हम लोग इनॉल वाले पार्ट में आराम से कन्वर्ट कर गए। लेकिन क्योंकि ऊपर मेंशन किया था पूरा रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर का है, इसका मतलब इंटर कन्वर्टेबल है, तो जो हर एक स्टेप हम लोगों ने लिखा है वो हर एक स्टेप वाला पार्ट भी रिवर्सिबल नेचर का होगा। मतलब आराम से फ्रंट डायरेक्शन और बैक डायरेक्शन दोनों के डायरेक्शन में आराम से मूव करता जा सकता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे है, ड्यूटेरियम एक्सचेंज में हम लोग हमेशा अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन को हटा रहे थे, तो यहाँ पे भी हम लोग अल्फा कार्बन से ही हाइड्रोजन को हटा के काम करेंगे, या फिर उन हाइड्रोजन्स को रिमूव करेंगे जो कि नेगेटिव चार्ज वाले पार्ट के साथ, मतलब जो नेगेटिव चार्ज वाले पार्ट को हम लोग रेजोनेंस में कार्बन वाले पार्ट के रिस्पेक्ट में आराम से डाल पाए। मतलब जिन कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बनाए, अगर उसको हम लोग कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस में डाल पाए, उनको भी हम लोग आराम से हटा करके वहाँ पे टॉटोमराइजेशन करा सकते हैं। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि 1-3 सिस्टम ही करना है केवल, हम लोग उसको फर्दर और बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बेसिक स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करें तो उस केस में हम लोग 1-3 सिस्टम की बात करेंगे, 1-3 माइग्रेशन की बात करेंगे। पहले स्टेप में अल्फा कार्बन पे OH- रिएक्शन करेगा, H+ को हटाएगा, फिर जो नेगेटिव चार्ज बनेगा मतलब जो कंजुगेट बेस बनेगा वो रेजोनेंस में जाएगा, फिर उसके बाद जो O- बनेगा वो H+ के साथ कंबाइन करके आराम से OH का फॉर्मेशन करा सकता है। इस एक पूरे पार्ट को हम लोग आराम से इस रिएक्शन का या इस टॉटोमेरिज्म वाले पार्ट का रिएक्शन मैकेनिज्म बोल सकते हैं। और एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है, वैसे केमिकल काइनेटिक्स में भी डिस्कस करेंगे हम लोग एक छोटा सा टर्म यूज़ करते हैं जिस चीज़ को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोला जाता है। तो जब हम लोग किसी भी रिएक्शन वाले पार्ट में जब हम लोग कोई भी रिएक्शन को तीन या दो या दो से ज़्यादा स्टेप्स में वो कर रखे होते हैं, रिप्रेजेंट कर रखे होते हैं, जैसे यहाँ देख के मालूम पड़ रहा है ये पहला स्टेप है, यहाँ वाले पार्ट में दूसरा स्टेप है, तो रेजोनेंस को हम लोग स्टेप मानेंगे, यहाँ वाले पार्ट में दूसरा स्टेप है। तो जब भी किसी रिएक्शन वाले पार्ट को दो या दो से ज़्यादा स्टेप में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन केसेस में हम लोग टर्म यूज किया करते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जब भी कभी दो या दो से ज़्यादा रिएक्शन होगा तब उस केस में, सॉरी दो या दो से ज़्यादा स्टेप होगा तब उस केस में उस रिएक्शन को हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आराम से बोल सकते हैं। और जब भी कभी दो या दो से ज़्यादा स्टेप में रिएक्शन होंगे तो इन जनरल उन सब में से कोई एक स्टेप सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा, सबसे धीरे हो रहा होगा। और जो स्टेप सबसे स्लोएस्ट स्टेप है, जो सबसे धीरे होता है, वो पूरे ओवरऑल रिएक्शन वाले पार्ट के रेट को अफेक्ट करता है, सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो इसीलिए हम लोग वहाँ पे टर्म यूज़ किया करना शुरू करते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे भी कुछ बेसिक टर्म पे, RDS क्या होता है, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है। तो जब भी कभी कोई रिएक्शन दो या दो से ज़्यादा स्टेप्स में होता है तब उस केस में इन जनरल कोई एक स्टेप पूरे रिएक्शन का सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है, और उसके वजह से पूरे रिएक्शन के रेट को वही स्लोएस्ट स्टेप कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो जो स्टेप को कंट्रोल करने, मतलब जो पूरे रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, वो बेसिकली पूरे रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहा है। उसी चीज़ को हम लोग आराम से रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोल सकते हैं, और हम लोग उसको इन जनरल RDS से रिप्रेजेंट करेंगे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इस पूरे पार्ट में जो हम लोगों ने पॉइंट डिस्कस किया था कि हम लोग का अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत कम होता है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होने के वजह से OH- बहुत इजीली उसको नहीं हटा सकता, और अगर उसको इजीली रिमूव नहीं कर सकता तब इस केस में ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं कि पहला स्टेप जो है उसमें बहुत टाइम लगेगा। अगर इजीली रिमूव कर देता तो टाइम कम लगता, अगर इजीली रिमूव नहीं कर पा रहा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और अगर टाइम ज़्यादा लगेगा मतलब स्टेप स्लो है, और अगर स्टेप स्लो है तो इस चीज़ को हम लोग आराम से रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हुए काम कर सकते हैं। तो हम लोग इस रिएक्शन वाले पार्ट का जो सबसे पहला स्टेप है वही अपना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है,
इस एक पर्टिकुलर पॉइंट का हम लोग को ध्यान रखना होगा। टाइम के साथ धीरे धीरे तुमको आइडिया लग जाएगा कि हम लोग रिएक्शन में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कैसे कंसिडर कर सकते हैं, कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। अभी के लिए इस चीज को याद रखना है, यहाँ पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप फर्स्ट पार्ट है। टाइम के साथ अपने आप समझ में आ जाएगा कि अच्छा यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्यों था। अभी के लिए इस मैकेनिज्म को नोट कर लो। Collection of this EDM is for you. चलो अगर नोट कर लिया तो फिर हम लोग कुछ कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं। जैसे एक पॉइंट तो यह ध्यान रखना है हम लोगों को कि क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ अल्फा कार्बन वाले पार्ट का काफी लो होता है, इसलिए हम लोग हाइड्रोजन के रिमूवल वाले पार्ट को सबसे स्लोएस्ट स्टेप कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे। एक्चुअल में स्लोएस्ट स्टेप होता है तो उसी चीज को हम लोग आराम से बोल रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट मेंशन कर लो इसमें पॉइंट में, सिंस एसिडिक स्ट्रेंथ of alpha hydrogen is very low, therefore its removal is the slowest step, the slowest step of the reaction, and hence considered as RDS, and hence considered as RDS. हाँ प्रियांशु एक चीज बताओ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में ज्यादा बॉन्ड डिस्टेंस किसका होगा? प्रियांशु
बता भाई जल्दी प्रियांशु। सर कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का क्यों क्यों ऐसा? सर बस लगता है। अबे लगता है मतलब तुम दुनिया को फीलिंग के ऊपर लगा दो, क्या मजाक चला रहे हो? प्यार मोहब्बत चल रहा है इधर, लगता है। अंशु बताओ जल्दी। अभी जाओ यस सर। बताओ भाई जल्दी बताओ। डबल बॉन्ड हो ही सर, कार्बन डबल बॉन्ड हो। क्यों सर? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम बॉन्ड स्ट्रेंथ को कभी जिंदगी में ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से तो रिलेट नहीं किया है। भाई मोटे बताओ भाई। आदर्श कुमार भुखड़ा आदमी जल्दी बताओ। सर सी डबल कार्बन का। क्यों? सी डबल ऑक्सीजन का बॉन्ड नंबर उसका 3 है और सी डबल कार्बन का बॉन्ड नंबर 2 है। अबे खाना के साथ साथ दिमाग भी खा गया क्या? सी डबल बॉन्ड सी का बॉन्ड ऑर्डर 2 है और सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 3 है। यस सर। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या था? सर बेसिक मतलब क्या होता है? बता भाई। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था ना बॉन्ड ऑर्डर? यस सर मोती में। हां क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर का बेसिक मतलब? सर कितना कंबाइन करेगा उतना। कितना कंबाइन करेगा उतना? दो एटम के बीच में कितना बॉन्ड है? तो पहले वाले केस में 2 बॉन्ड है, दूसरे वाले केस में भी 2 बॉन्ड है, तो पहले वाले में बॉन्ड ऑर्डर 2 है, दूसरे वाले में 3 कहां से हो गया? सर एमओटी से सिग्मा। अबे गलत में उधर कार्बन मोनोऑक्साइड थोड़ा ना देके चल रहे हैं हम केवल कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पूछ रहे हैं। एमओटी में भी ये चीज बोला था, 2 एटम्स के बीच में जितने बॉन्ड्स होंगे दैट इज इक्वल टू बॉन्ड ऑर्डर। अगर 2 बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा। चलो ध्यान दो, इन जनरल हम लोग बॉन्ड स्ट्रेंथ वाले पार्ट को बॉन्ड लेंथ से कंपेयर करते हैं। बॉन्ड लेंथ जितना ज्यादा होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ही कम होता है। इस केस में दोनों तरफ बॉन्ड ऑर्डर सेम है, बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है तो बॉन्ड लेंथ इन जनरल सेम कंसिडर किया जाता है, बट डिपेंड करता है एटम के ऊपर भी। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को अगर कंसिडर करें तो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन अलोंग द पीरियड हम लोग जा रहे हैं। अगर अलोंग द पीरियड जा रहे हैं तो हम लोग का जो साइज वाला पार्ट है या रेडियस वाला पार्ट डिक्रीज करता है। तो कार्बन का साइज बड़ा है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो डेफिनेटली कार्बन के साथ जब डबल बॉन्ड कार्बन होगा या कार्बन के साथ जब डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा तो एक एटम का साइज तो सेम है बट दूसरा एटम बड़ा है जबकि ऑक्सीजन छोटा है। छोटा एटम छोटा बॉन्ड बनाएगा, ऑब्वियस ही बात है। एक मान लो कि एक एटम सेम था, दूसरा एटम सेम दे रखा था, मतलब 2 कार्बन वाले पार्ट दे रखे थे जबकि दूसरे वाले जगह पे कार्बन वाले पार्ट के जगह पे हम लोगों को ऑक्सीजन वाला पार्ट दे रखा। ऑक्सीजन का साइज छोटा है तो न्यूक्लियस का डिस्टेंस वाला पार्ट भी छोटा होगा, और अगर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम होगा इसका मतलब बॉन्ड लेंथ वाला पार्ट आराम से कम होगा। तो जब बॉन्ड ऑर्डर बराबर होता है तो बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करते वक्त हम लोग एटम्स के साइज के ऊपर जा सकते हैं। जो छोटा एटम होगा वो छोटा बॉन्ड बनाएगा, जो बड़ा एटम होगा वो बड़ा बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, और अगर बॉन्ड लेंथ बड़ा है इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ वाला पार्ट छोटा हो जाएगा। तो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू कार्बन कार्बन। तो अगर हम लोग इस पॉइंट के ऊपर कंपेरिजन करें तो यहाँ से एक कंसिडरेशन ऐसा आराम से लेके चल सकते हैं कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड स्ट्रेंथ के हिसाब से, कि हम लोगों के इनॉल फॉर्म वाले पार्ट में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था जबकि कीटोन फॉर्म वाले पार्ट में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन था। तो सिंस कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू कार्बन कार्बन, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तब उस केस में ज्यादा स्टेबल सिस्टम रहा होगा। जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ज्यादा स्टेबल सिस्टम। इसका मतलब
पहला वाला जो स्ट्रक्चर है बेसिकली जो इनॉल फॉर्म वाला सॉरी बेसिकली जो हम लोग का कीटोन फॉर्म वाला पार्ट है, ये कीटोन फॉर्म ज्यादा स्टेबिलिटी रखेगा एज कम्पेयर टू इनॉल फॉर्म. तो सेकेंड पॉइंट पे ये पॉइंट मेंशन कर लो, सिंस नोट करना शुरू करो, ऊपर वाले स्ट्रक्चर पे एक्सप्लेन नहीं कर रहे, सेकेंड पार्ट में मेंशन करो पॉइंट. सिंस बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इज हायर देन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, देयरफॉर कीटोन फॉर्म is more stable than enol form और इसके नीचे नोट लिख करके कुछ पॉइंट मेंशन कर लेना, मतलब थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन सब पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है. इन जनरल कीटोन फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू इनॉल फॉर्म इन जनरल, जैसे ऊपर पॉइंट लिखा. लेकिन जब हम लोग कंपाउंड में एरोमेटिसिटी की बात करेंगे, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड की बात करेंगे, तब उसके इसमें इनॉल फॉर्म वाला पार्ट ज्यादा स्टेबल हो जाएगा. ऐसा मेंशन कर लो, इन केस ऑफ एरोमेटिसिटी in all form becomes more stable than keto form. In all form becomes more stable than keto form. Second point, in case of hydrogen bonding, in the enol form, in the enol form, it becomes more stable. It becomes more stable. एक छोटे से पार्ट का थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे, वैसे ये फैक्ट अपने को जरूरत है ही नहीं, बट थोड़ा ध्यान रखना. जैसे हम लोग का कोई कीटोन फॉर्म है और कोई इनॉल फॉर्म वाला पार्ट है, तो इस कीटोन फॉर्म और इस इनॉल फॉर्म वाले पार्ट में जो स्टेबिलिटी का डिफरेंस है वो अप्रोक्सीमेटली मतलब हम लोग अगर कंसिडर करके चले तो उस केस में 45 किलो कैलोरी या फिर शायद से 45 किलो जूल के नियर अबाउट निकल के आता है, शायद 45 किलो कैलोरी के अराउंड ही निकल के आता है. जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला पार्ट अप्रोक्सीमेटली 47 किलो कैलोरी के अराउंड एनर्जी रखता है. ये चीज़ हमको एग्जैक्टली ध्यान नहीं है फैक्ट में किलो कैलोरी था कि किलो जूल था, लेकिन इन दोनों से कोई एक पार्ट होता है जो 47 वाला पार्ट अप्रोक्सीमेटली रहता है. मतलब एक नॉर्मल हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली 47 किलो कैलोरी पर मोल या 47 किलो जूल पर मोल के अराउंड एनर्जी लिबरेट कराता है या फिर स्टेबिलिटी इंक्रीज कराता है, जबकि कीटो और इनॉल वाले पार्ट में जो गैप है वो एग्जैक्टली 45 के बराबर होता है, मतलब 45 किलो कैलोरी या फिर 45 किलो जूल के नियर अबाउट होता है. तो जैसे मान लो कि अगर हम लोगों को कीटोन वाले पार्ट से इनॉल फॉर्म में जाना है, तो बेसिकली हम लोग को 45 का ये जो डिफरेंस है, 45 यूनिट का एनर्जी का जो डिफरेंस है, ये ओवरकम करना होगा. अगर हम लोग के इनॉल वाले पार्ट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, इसका मतलब इनॉल वाला पार्ट ऐसा लिख सकते हैं हम लोग कि जैसे शुरुआत में हम लोग का कीटोन वाला पार्ट ज़्यादा स्टेबल था जबकि इनॉल वाला पार्ट अनस्टेबल था, और दोनों के बीच में जो गैप है वो गैप वाला पार्ट अप्रोक्सीमेटली 45 किलो जूल या किलो कैलोरी के बराबर है, यूनिट हमको नहीं मालूम बट अप्रोक्सीमेटली इतने के बराबर है. अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से हम लोग का इनॉल फॉर्म स्टेबल होगा, मतलब लोअर एनर्जी पे जाएगा. जितना स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगा, हम लोग का जो
इनॉल फॉर्म है वो उतना ही लोअर एनर्जी पे मूव करेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले पार्ट का जो एनर्जी होता है, मतलब जो इंट्रैक्शन से रिलेटेड जो एनर्जी लिबरेट करता है, वो अप्रोक्सीमेटली 47 के अराउंड है। तो हम लोग का गैप 45 के बराबर था, जबकि एनर्जी वाला पार्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से 47 के बराबर हुआ। इसका मतलब इनॉल फॉर्म वाला पार्ट आराम से इस कीटोन फॉर्म वाले पार्ट से नीचे चला जाएगा, बेसिकली 2 किलो जूल या 2 किलो कैलोरी नीचे चला जाएगा। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ तो इनॉल वाला जो पार्ट है वो आराम से ज्यादा लोअर एनर्जी पर मूव कर सकता है, ज्यादा स्टेबल सिस्टम के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। सेम चीज एरोमेटिसिटी के साथ होता है, जब हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड बनाएंगे, जैसे मान लो ऐसा कंसंट्रेशन लेके चले, ये हम लोग का कीटोन फॉर्म है और उसी का हम लोग इनॉल फॉर्म बना सकते हैं। यहाँ पे अगर ढंग से देखो तो यहाँ पे जो कीटोन वाला स्ट्रक्चर था, इसमें डबल बॉन्ड को शिफ्ट किया, यहाँ के एच वाले पार्ट को ऊपर शिफ्ट किया, तो हम लोग का जो कीटो वाला पार्ट था वो जब इनॉल में कन्वर्ट किए तो नीचे वाला कंपाउंड एरोमेटिक नेचर का निकल के आया। और एरोमेटिसिटी काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ाता है कंपाउंड का, जब काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ाता है तो उस केस में जो कीटोन फॉर्म है ये इन जनरल ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए था बॉन्ड स्ट्रेंथ की वजह से, लेकिन एरोमेटिसिटी गेन करने की वजह से हम लोग का इनॉल फॉर्म वाला पार्ट ज़्यादा स्टेबल निकल के आता है, जिसकी वजह से इस दोनों केसेस में भी हम लोग का इनॉल फॉर्म वाला पार्ट ज़्यादा स्टेबल आएगा, हम लोग ऐसा आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। मतलब ये दो पॉइंट्स बेसिकली ध्यान रखने हैं कि जनरली कीटोन फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल, लेकिन अगर पहला पार्ट कंपाउंड इनॉल फॉर्म में एरोमेटिक हो गया, और इनॉल फॉर्म में ही एरोमेटिक होगा, कीटोन फॉर्म में नॉर्मली नहीं रहेगा, अगर जनरली कंपाउंड इनॉल फॉर्म में एरोमेटिक हो गया तो फिर इनॉल ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, या फिर अगर इनॉल फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है तो उस केस में भी इनॉल फॉर्म वाला पार्ट ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो पहले ये बस पॉइंट नोट करो, उसके नीचे के डायग्राम को मेंशन मत करना, दोनों से रिलेटेड हम एग्जांपल वाले पार्ट को मेंशन कर रहे हैं। इन केस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द इनॉल फॉर्म इट बिकम्स मोर स्टेबल, और मोर स्टेबल का मतलब मोर स्टेबल देन कीटो फॉर्म। नोट करने के बाद एग्जांपल वाले पार्ट पे आते हैं। जैसे मान लो कि अगर ऐसा कंसंट्रेशन दिया और इसका इनॉल फॉर्म बना रहे हैं हम लोग, तो केवल हम लोगों को, और इनॉल फॉर्म में भी ऐसा नहीं कि हमेशा राइट साइड में ही जाना है, लेफ्ट साइड में भी जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का जो पाई बॉन्ड है उसको उठा के बगल वाले पे डाला और यहाँ का हाइड्रोजन को उठा के ऑक्सीजन पे डाला, तो इस केस में हम लोग आराम से इन दोनों स्ट्रक्चर में कीटोन फॉर्म वाले पार्ट को ज़्यादा स्टेबल कंसिडर कर सकते हैं एज कम्पेयर टू इनॉल, क्योंकि इनॉल का एक सिंपल स्ट्रक्चर दे रखा है। तो इन दोनों में कीटोन फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है, तो जैसे हम लोग कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म में इस चीज़ को डिस्कस किए थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर हम लोगों का कीटोन फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है, मतलब रिएक्टेंट वाला पार्ट ज़्यादा स्टेबल है, तो जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसका अमाउंट ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट वाले पार्ट का अमाउंट कम होगा। तो अगर प्रोडक्ट का अमाउंट कम है, रिएक्टेंट का अमाउंट ज़्यादा है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आराम से हम लोग यहाँ पे लेस देन वन लेकर के चल सकते हैं, तो इस केस में हम लोग का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला पार्ट लेस देन वन के बराबर होगा। लेकिन अगर हम लोग पहले एग्जांपल की जगह पे ये केस लेके चले, तो इस केस में जब टॉटोमराइजेशन होगा तो एक ही ऑप्शन है, पाई बॉन्ड लेफ्ट साइड में शिफ्ट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक पाई बॉन्ड है, तो कार्बन वाला पार्ट 5 बॉन्ड तो नहीं बना सकता। एक ही ऑप्शन है, पाई बॉन्ड को राइट साइड में शिफ्ट किए और यहाँ के हाइड्रोजन को उठा के ऑक्सीजन वाले पार्ट पे डाले। तो इस केस में जब यहाँ पे हम लोग शिफ्टिंग करेंगे तो अपना फॉर्म ये निकल के आएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के जगह पे OH वाला पार्ट। इस केस में हम लोग का जो कंपाउंड है ये एरोमेटिक नेचर का है, एरोमेटिसिटी होने से कंपाउंड का स्टेबिलिटी रिलेटिवली बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसका मतलब इस बार इनॉल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है, मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है। अगर प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट, इस केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला पार्ट आराम से ग्रेटर देन वन कंसिडर करके काम कर सकते हैं। ये दोनों एग्जांपल नोट करो, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करेंगे। I think in the idea of this, the system is a very important thing. So, that's the connection.
चलो ध्यान दो, ठीक है। हम लोग इस टाइप का कंसिडरेशन लेके चल सकते हैं जिसमें नॉर्मली हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला पार्ट होता है। मान लो अगर ये केस लेके चले और इसमें अगर हम लोग इस डबल बॉन्ड वाले पार्ट को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दें तो यहाँ का जो हाइड्रोजन होगा उसको ऑक्सीजन वाले पार्ट पे आराम से प्लेस कर सकेंगे हम लोग। तो उसके वजह से हम लोग का ऑलमोस्ट ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आना चाहिए, राइट साइड के डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जैसा था वैसे ही रहने दिया। उसके अलावा जो हम लोग का ऑक्सीजन वाला पाई बॉन्ड है बगल में शिफ्ट हुआ और यहाँ पे हम लोग आराम से OH ग्रुप को डाल सकते हैं। तो जब ये स्ट्रक्चर होगा तो इस स्ट्रक्चर वाले पार्ट में ऑक्सीजन के ऊपर का जो हाइड्रोजन है ये आराम से दूसरे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग का यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला पार्ट पॉसिबल है इंट्रा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में। और इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, रिंग का साइज 5 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग, 7 मेंबर रिंग होना चाहिए, 3-4 मेंबर रिंग हम लोग नहीं बना के चलेंगे। तो अगर इस तरह का कीटोन फॉर्म है जो कि अपने आप को इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट किया और हाइड्रोजन बॉन्डिंग करा पाया इस टाइप से, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से वापस से हम लोग का इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। और जब हम लोग का इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा तो क्योंकि इनॉल वाला पार्ट इधर प्रोडक्ट है, इसका मतलब प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा बनेगा। और अगर प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा बनेगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आराम से ग्रेटर देन 1 कंसीडर करते हुए काम कर सकते हैं। ये एग्जांपल का थोड़ा ध्यान रखना। हाइड्रोजन का टॉटोमरिज्म का कंसेप्ट बड़ा ही सिंपल सा रहेगा। पहला चीज, आइदर कीटोन फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा और दूसरा आइदर इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा। और उसके अलावा इनॉल फॉर्म कहाँ ज्यादा स्टेबल होगा तो एरोमेटिसिटी के केस में और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में। बस किसी के बेसिस पे हम लोग को सारा का सारा कंसिडरेशन लेके चलना होगा। यहाँ क्यों बनाया है? ताकि न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करे, मैं न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करे, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करे, हाँ जी बताएं। उसके बाद नोट में ही नेक्स्ट पॉइंट नोट करना, कितना पॉइंट हो गया नोट में, ठीक है 2 पॉइंट नोट में ही। तीसरा पॉइंट नोट करो, फॉर टॉटोमराइजेशन, फॉर टॉटोमरिज्म अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। जब तक अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तब तक उसको हम लोग हटा नहीं सकते, और जब तक उसको हटा नहीं सकते तब तक पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग नहीं हो सकता। तो इसलिए अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना मस्ट कंडीशन है। और उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और थोड़ा ध्यान रखना है, हम लोग एक टर्म यूज करते हैं इनॉल कॉन्टेंट। जैसे हम लोग का जो पूरा का पूरा रिएक्शन है, पूरा का पूरा जो इक्विलिब्रियम है, उसमें कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट होगा। स्टेबिलिटी कम हो या ज्यादा हो, प्रोडक्ट कुछ ना कुछ तो होगा। तो उस केस में जितना इनॉल बनेगा उस इनॉल के अमाउंट को, उस इनॉल के रिलेटिव अमाउंट को, जैसे मान लो अगर हम लोग 100 मोल लेके चलते कीटोन का और 100 मोल में से इनॉल वाले पार्ट में हम लोग के पास 20 मोल कन्वर्ट हो गया क्योंकि इनॉल लेस स्टेबल था, तो कन्वर्जन लेस होगा। इसका मतलब हम लोग के पास कीटोन का 80 मोल बच जाएगा और इनॉल का 20 मोल रहेगा। टोटल मोल तो हमेशा 100 के बराबर होना है, आइदर कीटोन फॉर्म होगा या फिर इनॉल फॉर्म होगा, या दोनों का एक मिक्सचर होगा। तो इस केस में अगर हम लोग का 20 मोल कन्वर्ट हुआ तो इसका मतलब परसेंटेज इनॉल कंटेंट 20/100 के हिसाब से आराम से कर सकते हैं। मतलब परसेंटेज निकाल रहे हैं, अमाउंट ऑफ इनॉल बाय टोटल अमाउंट इनटू 100। तो ये जो परसेंटेज इनॉल है या फिर अमाउंट ऑफ इनॉल है, इस चीज को हम लोग परसेंटेज इनॉल कंटेंट के टर्म में रिप्रेजेंट किया करते हैं। तो हम लोग ये जो परसेंटेज इनॉल कंटेंट है इससे रिलेटेड एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखा करते हैं। एज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ
अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीजेस परसेंटेज इनॉल कंटेंट इंक्रीजेस. जैसे जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा अल्फा हाइड्रोजन वाले पार्ट का, उस केस में परसेंटेज इनॉल कंटेंट वाला पार्ट इंक्रीज करेगा. सवाल अगर पूछेगा तो दो तीन फॉर्मेट में पूछेगा. पहला चीज, इनॉल ज्यादा स्टेबल है कि कीटोन ज्यादा स्टेबल है, या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला पार्ट बताओ. मतलब ये दोनों एक बेसिकली आपस में रिलेटेड पार्ट है. इनॉल ज्यादा स्टेबल या कीटोन ज्यादा स्टेबल, उसके हिसाब से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिलेट कर सकते हैं. दूसरा पार्ट, कंपाउंड टॉटोमराइजेशन शो कर सकता है कि नहीं कर सकता. और तीसरा पार्ट, परसेंटेज इनॉल कंटेंट को रिलेट करके चलो. मतलब जितनी चीजें हम लोगों ने मेंशन की, इन सब में केवल तीन पॉइंट के ऊपर सवाल पूछा जाएगा. पॉइंट नंबर थ्री, पॉइंट नंबर फोर, परसेंटेज इनॉल कंटेंट कंपेयर करो. दूसरा, टॉटोमराइजेशन, ये टॉटोमराइजेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता, या फिर कंपाउंड टॉटोमरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा. और तीसरा, कीटोन ज्यादा स्टेबल है कि इनॉल ज्यादा स्टेबल है, या फिर उसी से रिलेटेड सवाल, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ग्रेटर देन वन होगा कि लेस देन वन होगा. सवाल इसी फॉर्मेट में हमेशा पूछा जा सकता है. तो हम लोग क्वेश्चन वाले पार्ट पे आएंगे, जिसमें सबसे पहला और सबसे बेसिक क्वेश्चन एग्जैक्टली यही होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो टॉटोमरिज्म. और इसको बनाने के लिए जब भी कभी प्रोडक्ट बनाना होगा, मतलब जब भी कभी ये चीज क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, तो टॉटोमरिक फॉर्म बना के काम करना. फॉर्म बना के काम करने का मतलब है ये कंसिडर करके काम करना कि हम लोग का जो कंपाउंड है इसमें अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है, और अगर है तो वहाँ पाई बॉन्ड बना करके हम लोग रख सकते हैं कि नहीं कर रख सकते. केवल ये मत देखना कि अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन के साथ साथ ये भी देखना तो वहां पे पाई बॉन्ड बन सकता है कि नहीं बन सकता है. जैसे एक छोटा सा पॉइंट तुम लोगों को याद होगा, हम लोग का जो ये ब्रिज हेड वाला पार्ट होता है, इस ब्रिज हेड वाले पार्ट के ऊपर हम लोग कभी भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करा सकते, क्योंकि हम लोग एक छोटा सा टर्म यूज करते हैं. मतलब ब्रिज हेड वाले पार्ट में कभी भी हम लोग यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करा सकते. मतलब कभी भी वहां पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन या उस स्ट्रक्चर को हम लोग प्लानर नहीं बना सकते, जिस चीज को हम लोग ब्रेड्स रूल भी बोलते थे. ब्रिज हेड कैन नेवर बी प्लानर. तो नेवर बी प्लानर होने का मतलब है कि ब्रिज हेड वाला पार्ट कभी भी sp2 हाइब्रिडाइज नहीं हो सकता या sp हाइब्रिडाइज नहीं हो सकता. मतलब वहां पे कभी भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, पॉजिटिव चार्ज इन जनरल नहीं बनना चाहता है. तो अगर हम लोग टॉटोमराइजेशन कराना चाहते भी हैं तो भी ये देखते हुए काम करना कि अल्फा हाइड्रोजन होने के बावजूद वहां पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता. अगर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है तो टॉटोमराइजेशन होगा, और अगर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता तो उस केस में टॉटोमरिज्म नहीं होगा. क्वेश्चंस वाले पार्ट को ट्राई करना शुरू करो. शुरुआत में कुछ सिंपल क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद थोड़ा हम लोग डिफिकल्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे. और ऐसा कोई जरूरी केस नहीं है कि हम लोग केवल कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म कराए. हम लोग बस पाई बॉन्ड को शिफ्ट किया करेंगे तो डायट ट्रायड सिस्टम में और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, जैसे HCN और HNC का स्ट्रक्चर बताया था तुम लोगों को. फटाफट नोट करते जाओ क्वेश्चन.
14 नंबर में एक बार स्ट्रक्चर सोच के भी देखना कितना मेंबर रिंग है एक्चुअल में, मालूम पड़ जाएगा एक तरफ से 6 मेंबर रिंग है, एक तरफ से 8 मेंबर रिंग है। ट्राई करो।
किसी का कुछ क्वेश्चन छूट गया तो बता देना। तो काफी डिफिकल्ट क्वेश्चंस करा रहे हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस करा रहे हैं, लेकिन क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत आसान सा है तो इस तरह के डिफिकल्ट क्वेश्चंस करना सीखो। अभी आगे के क्वेश्चंस आसान होंगे, आगे के रिएक्शन मैकेनिज्म डिफिकल्ट होते जाएंगे तो क्वेश्चंस आसान होंगे शुरुआत में। चलो ध्यान दो शुरू का कुछ कैसे डिस्कस करते हैं। पहले वाले केस में जैसे अगर ये कंसिडर करना होता कि टॉटोमराइजेशन हो रहा है नहीं हो रहा, तो पहले तो ये चीज़ देख लेंगे कि अल्फा कार्बन यहाँ पे sp3 वाले पार्ट के फॉर्म में है कि नहीं। तो इधर दोनों तरफ अल्फा कार्बन वाला पार्ट है और पाई बॉन्ड को अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर निकल के आएगा जो कि आराम से पॉसिबल है। पाई बॉन्ड को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो भी आराम से स्ट्रक्चर निकल के आ सकता है। मतलब ये दो पॉसिबिलिटी है, दोनों में से कौन सा एग्जिस्ट करेगा ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए दोनों पॉसिबिलिटी आराम से एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब मॉलिक्यूल टॉटोमराइजेशन शो करेगा। नेक्स्ट वाले केस में जो डबल बॉन्ड वाला एटम है उससे अटैच्ड एटम के ऊपर हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ के हाइड्रोजन को उठा के ऑक्सीजन पर डाल सकते हैं और यहाँ से पाई बॉन्ड को लेफ्ट साइड में डाल सकते हैं। तो प्रोडक्ट में CH2 डबल बॉन्ड N और उसके अलावा OH वाले पार्ट का फॉर्मेशन करा सकते हैं, मतलब टॉटोमराइजेशन आराम से पॉसिबल है। थर्ड वाले केस में नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन अगर है
तो इस केस में यहाँ से अगर हाइड्रोजन को हटा के इस साइड में डाल दे, यहाँ पे शिफ्ट कर दे, मतलब अच्छा नहीं यहाँ पे तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा, यहाँ पे कोई फायदा नहीं है एक्चुअल में, मेरे हिसाब से कोई फायदा नहीं है। हाँ नहीं देख लेते हैं, अगर मान लो ऐसा कंसिड्रेशन लेके चले, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, ये इधर जाएगा इधर जाएगा, हाँ ठीक है एक पॉसिबिलिटी कंसिडर कर सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ से H प्लस हटा के N माइनस बनाए अगर हम लोग, तो N माइनस वाला पार्ट रेजोनेंस में आराम से आगे की तरफ जा सकता है, जब N वाला पार्ट रेजोनेंस में जाएगा तब उस केस में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर निकल के आएगा कि यहाँ का H हटा, N के ऊपर जो माइनस चार्ज वाला पार्ट है ये रेजोनेंस में गया, पाई बॉन्ड वाले पार्ट को हम लोग थोड़ा आगे शिफ्ट कराए, पाई बॉन्ड वाले पार्ट को आगे शिफ्ट कराए, तो उस केस में ये स्ट्रक्चर निकल के आया। तो पहले वाले केस में हम लोगों के पास जो कंपाउंड है उसमें नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन है जबकि पाई बॉन्ड नहीं है वहाँ पे, जबकि दूसरे वाले पार्ट में कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन आ गया और हाइड्रोजन वाला पार्ट दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गया, तो इस केस में यहाँ पे भी टॉटमराइजेशन वाला पार्ट पॉसिबल है। बस ये है कि इस बार हम लोग के पास यहाँ पे जैसे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को कीटोन बोलते थे हम लोग, तो सिमिलर टाइप से कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन ले सकते हैं, इस बार हम लोग कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन वाले पार्ट को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाले पार्ट को कीटोन वाले फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब हम लोग के पास एक इनॉल फॉर्म दे रखा है जिसको हम लोग कीटोन फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस केस में भी मॉलिक्यूल आराम से टॉटमराइजेशन शो कर पाएगा, तो उसका स्ट्रक्चर बस हम केवल राइट साइड में मेंशन किया है, कोशिश को थोड़ा देख के काम करना, ये स्ट्रक्चर में ये फॉर्मेशन हो सकता है आराम से, मतलब नाइट्रोजन के ऊपर जो हाइड्रोजन है ये उठ के किसी कार्बन पे जा सकता है और पाई बॉन्ड को हम लोग उसके ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, तो हम लोग का ये कीटोन टाइप का स्ट्रक्चर होगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की जगह कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो गया, और ये पहला स्ट्रक्चर हम लोग के इनॉल टाइप का स्ट्रक्चर है बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 4 वाले पार्ट में कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो है पर इसके साथ दो अल्फा कार्बन है, लेकिन दोनों अल्फा कार्बन पे टोटल चार चार बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे सॉरी दोनों अल्फा कार्बन के ऊपर चार चार बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, पहले वाले केस में भी कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, तो दोनों में से किसी कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब हम लोग के पास टॉटमराइजेशन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ कोई कार्बन ही प्रेजेंट नहीं है, तो अल्फा कार्बन नहीं है मतलब अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं हो सकता, पाई बॉन्ड को शिफ्ट करने के लिए कोई दूसरा एटम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, मतलब टॉटमराइजेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 वाले पार्ट की बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ जो हाइड्रोजन है ये एक्चुअल में अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन नहीं है, तो अगर अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ पे टॉटमराइजेशन के लिए इसको हटा भी नहीं सकते, और अगर मान लो कि टॉटमराइजेशन कराते तो बेसिकली ऐसा कुछ कंसिडरेशन करना होता कि हम लोग का जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला पार्ट है इसको OH में कन्वर्ट करते, पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट करते और दूसरे को और आगे लेके जाना होता, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड चेंज नहीं हो सकते, इस एक चीज का ध्यान रख, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हमेशा सेम रहना चाहिए, क्योंकि टॉटमराइजेशन वाले पार्ट में हम लोग रेजोनेंस कैरी आउट करा रहे हैं और उसमें हम लोग एक हाइड्रोजन को शिफ्ट भी कर रहे हैं, इसलिए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हमेशा सेम रहेगा, अगर हम लोग इसको आगे शिफ्ट करेंगे तो पाई बॉन्ड वाला पार्ट और आगे नहीं जा पाएगा, मतलब अपने पाई बॉन्ड को बनाने के लिए यहाँ पे कोई फर्दर जगह नहीं है, तो यहाँ से जो दूसरा स्ट्रक्चर होना चाहिए था वो स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटी हम लोग नहीं कर सकते, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग टॉटमराइजेशन बिल्कुल नहीं करा सकते। एक और भी चीज है, जैसे कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं कि सर ऐसा तो स्ट्रक्चर हो सकता है ना, ये तो स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकता है, लेकिन इस स्ट्रक्चर के बनाते वक्त हम लोग के इस कार्बन से हाइड्रोजन का हटना जरूरी है और वहां से हाइड्रोजन वाला पार्ट हटा नहीं सकते हम लोग, अगर हाइड्रोजन वाला पार्ट नहीं हटा सकते तो ये कन्वर्जन भी हम लोग नहीं करा सकते, मतलब बेसिकली टॉटमराइजेशन नहीं करा सकते हैं, इस एक चीज का ध्यान रखना है। सिंपल से केसेस है, इन केसेस को बस पहली बार देख रहे हैं हम लोग, अगली बार जब देखेंगे तो आराम से ये सब चीजें ध्यान में रहेंगी। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 7 है, तो क्वेश्चन नंबर 7 वाले पार्ट में अगर हम लोग इसका इनॉल फॉर्म बनाने की कोशिश करें तो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और दूसरा पाई बॉन्ड को आगे शिफ्ट करा सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग का एक ये स्ट्रक्चर आराम से बनाया जा सकता है, यहाँ पे OH वाला पार्ट, तो बेसिकली हम लोगों के पास एक इनॉल फॉर्म बनाने की पॉसिबिलिटी है और कीटोन फॉर्म को उसमें कन्वर्ट करना भी आसानी से दिखाई दे रहा, यहाँ पे कीटोइनॉल टॉटमरिज्म आराम से हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 तो आराम से दिख रहा होगा तुम लोगों को, क्वेश्चन नंबर 8 में बड़ा ही सिंपल सा कीटोन फॉर्म रखा, उसको इनॉल फॉर्म में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें तो 9 वाले पार्ट में ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करो, पाई बॉन्ड को और आगे शिफ्ट कर दो, तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में आराम से हम लोग के पास
एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब फिनॉल का फॉर्मेशन होगा, कीटोइनॉल टॉटमेरिज्म पॉसिबल है। और सिमिलर टाइप से, अच्छा यहाँ नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 10 में, थोड़ा मिस हो गया। सिमिलर टाइप से क्वेश्चन नंबर 10 वाले पार्ट को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 वाले पार्ट में हम लोग का जो स्ट्रक्चर है वो अपने आप को इस फॉर्म में आराम से कन्वर्ट कर सकता है। तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के जगह पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के ऊपर OH, मतलब कीटोन फॉर्म अपने आप को फिनॉल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, ऐसा हम लोग बोलते हुए काम कर सकते हैं, तो टॉटोमराइजेशन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 21 तक इन क्वेश्चंस को घर से ट्राई करके आना, काफी डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्लास में इसका डिस्कशन करेंगे और नेक्स्ट क्लास में आधे घंटे में आराम से हम लोग का टॉटोमेरिज्म वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। परसेंटेज इनॉल कॉन्टेंट कैसे कंपेयर कर सकते हैं उसका जो पॉइंट लिखाया था उसके रिलेटेड कुछ सवाल सॉल्व करेंगे और इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट रिलेटेड कुछ पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे और हम लोग का नेक्स्ट क्लास में टॉपिक आराम से कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग प्रॉपरली रिएक्शन मैकेनिज्म में सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेशन इफेक्ट क्या होता है, या फिर न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट क्या होते हैं, या फिर इंटरमीडिएट क्या होते हैं, ये सारे के सारे टर्म्स हम लोग एक एक करके डिस्कस करना शुरू करेंगे और उसके बाद हम लोग का रिएक्शन मैकेनिज्म प्रॉपरली शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 तक में अगर किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। बोलो भाई, क्वेश्चन नंबर 10 तक में अगर कोई डाउट है तो। चलो अगर डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तो थर्ड वाला एक बार बता दीजिए ना। थर्ड वाला ये, हाँ चलो ठीक है। थर्ड वाले पार्ट में जैसे हम लोग के पास जो स्ट्रक्चर दे रखा है एक्चुअल में वो स्ट्रक्चर वाला पार्ट इस बार कीटोन फॉर्म नहीं दे रखा, इनॉल फॉर्म दे रखा है। तो यहाँ नाइट्रोजन वाले पार्ट में जैसा समझ लो इस चीज को, इसको थोड़ा नीचे मेंशन कर रहे हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और इसके ऊपर NH2 दे रखा है, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इसके ऊपर NH2 मतलब इनामाइन टाइप का स्ट्रक्चर दे रखा है, अल्कीन के ऊपर अमाइन है। तो यहाँ से हम लोग पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर सकते हैं और यहाँ से एक हाइड्रोजन वाले पार्ट को कार्बन के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, तो अपना स्ट्रक्चर कुछ ऐसा निकल के आएगा। तो एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाले पार्ट से एक नाइट्रोजन वाला पार्ट अटैच्ड है। तो इस केस में इस बार हम लोग उल्टा काम कर रहे हैं, मतलब इनॉल वाले पार्ट से कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाले पार्ट से हम लोग कार्बन डबल बॉन्ड बाकी स्ट्रक्चर में जा रहे हैं। तो पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट किया, यहाँ का हाइड्रोजन वाला पार्ट इधर शिफ्ट किया, एक ये पॉसिबिलिटी बना सकते हैं। मतलब इसमें एक्चुअल में दो पॉसिबिलिटी निकल के आ सकता है, एक तो ये पॉसिबिलिटी नाइट्रोजन वाले पार्ट के साथ हम लोग कार्बन चेन बनाए, तो यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो गया, सॉरी कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो गया और नीचे वाले पार्ट में हम लोग के पास हाइड्रोजन हो गया, एक ये पॉसिबिलिटी। और दूसरा इस पाई बॉन्ड के इधर शिफ्ट कर दिया जो नेगेटिव चार्ज के फॉर्मेट में था और इस हाइड्रोजन को और आगे शिफ्ट कर दिया। तो एक्चुअल में हम ये स्ट्रक्चर इसलिए बना रहे हैं, उसका रीजन हम थोड़ा नेक्स्ट क्लास में मेंशन भी करते हैं, बट अभी मेंशन कर सकते हैं। जैसे देख के मालूम पड़ रहा है कि पहले स्ट्रक्चर में और दूसरे स्ट्रक्चर में, पहले वाले पार्ट में रेजोनेंस नहीं हो सकता जबकि दूसरे वाले केस में हो सकता है। तो ऑब्वियसली बात है फर्स्ट और सेकंड में सेकंड वाला पार्ट ज्यादा स्टेबल है, तो सेकंड वाला एग्जिस्ट करेगा ज्यादा अमाउंट में, फर्स्ट वाला पार्ट बहुत ही कम अमाउंट में एग्जिस्ट करेगा, लेकिन इंटरमीडिएट स्टेप में बन सकता है। और यहाँ से ये पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट किए, हाइड्रोजन वाले पार्ट को उठा करके इधर लेके चले गए, वो उसी स्टेप में होगा। मतलब जब हम लोग नाइट्रोजन वाले पार्ट को क्या हाइड्रोजन को हटा के आगे शिफ्ट करना शुरू करेंगे तो उसी स्टेप में कंटिन्यूएशन में ये चीज आगे की तरफ मूव करेगा, ये सेकेंड वाला स्ट्रक्चर आराम से बनाया जा सकता है। तो सवाल में ये पूछा है कि मॉलिक्यूल टॉटोमेरिज्म शो कर रहा कि नहीं कर रहा, कहीं ऐसा नहीं पूछा कि ये कीटोन फॉर्म इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा कि नहीं हो रहा। तो उल्टा भी तो दे सकता है ना, जैसे मान लो ऐसा दे रखा, पूछा है कि ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो कर रहा कि नहीं कर रहा, तो इनॉल फॉर्म है, इनॉल फॉर्म वाला पार्ट अपने आप को आराम से कीटोन में कन्वर्ट कर सकता है, तो ये स्ट्रक्चर दे या फिर कीटोन स्ट्रक्चर दे, टॉटोमेरिज्म तो दोनों शो करेगा, जब इनॉल देगा तो कीटोन में कन्वर्ट होगा, जब कीटोन देगा तो इनॉल में कन्वर्ट होगा, बट टॉटोमेरिज्म दोनों शो करेगा। ठीक है, और कोई डाउट? चलो अगर डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।